आज हम बनाएंगे मैसूर पाक। इसके लिए एक कढ़ाई में हम एक कप बेसन डालेंगे और उसी मेजरिंग से हिसाब से करना है, जो कप कटोरी लिया उसी के हिसाब से 2 कप शुगर, 2 कप्स घी, 1 कप दूध डालेंगे। अब सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब गैस पर चढ़ाएंगे हम। अब इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, एक पीक हो तब तक हमें हलाते रहना है इसको। ये देखिए अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और थोड़ी देर हमें चलाना है। देखिए अब पीक हो गया है थोड़ी देर के लिए और देखिए अब गाढ़ा होने लगा है। इस स्टेज में हम आधी कटोरी घी और डालेंगे, एकदम हल्का सुनहरा कलर आ गया है। अब हम थाली में इसमें ट्रांसफर करेंगे। अब शक्कर के दाने थोड़ी स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी पानी की छींटे देंगे और बादाम की कतरन से गार्निश करेंगे।